Hello friends, welcome to my channel Biology with AAGAM SINGH. Today we are going to discuss cytoskeletons. Cytoskeletons होते क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे. So without wasting time, let's start with the topic. So पहला जो word है वो है cytoskeleton. पहले तो इस वर्ड का मतलब समझते हैं, क्या मीनिंग है साइटोस्केलेटन का, क्योंकि बिना मतलब जाने हम आगे पढ़ेंगे तो कोई वेस्ट रहेगा, कोई मतलब का नहीं रहेगा. तो जो वर्ड है साइटोस्केलेटन, साइटो और स्केलेटन, ये दो वर्ड से मिलकर ये बना हुआ है. साइटो का मतलब क्या है? साइटोप्लाज्म. साइटो का मतलब क्या हुआ? साइटोप्लाज्म. स्केलेटन मतलब कंकाल. जो स्केलेटन होता है वो स्केलेटन के यहाँ दिया हुआ है. तो साइटोस्केलेटन का मतलब क्या हुआ? जैसे बॉडी के अंदर हमारा स्केलेटन होता है बोन्स का, वैसे अगर हम साइटोस्केलेटन की बात करें तो ये एक मान लीजिए सेल है, तो इसके अंदर भी स्केलेटन प्रेजेंट होंगे फिलामेंट्स के रूप में, ताकि सेल को सपोर्ट करें. क्योंकि हमारी बॉडी अगर स्केलेटन नहीं हो हमारे पास बोन का, तो हमारी बॉडी भी स्टैंड नहीं कर पाएगी, और सेल के पास अगर साइटोस्केलेटन नहीं हो तो सेल भी सरवाइव नहीं कर पाएगा. तो सेल के पास भी, जैसे हमारी बॉडी के पास अगर बड़े लेवल पे देखें तो जो बोन्स हैं वो हमारा स्केलेटन है. यहाँ पर क्या? साइटोस्केलेटन. साइटो इसलिए बोला है, साइटोप्लाज्म के अंदर जो स्केलेटन प्रेजेंट है उसे बोलते हैं साइटोस्केलेटन. अगर इसको डेफिनेशन फॉर्म में बोला जाए तो ये बोलेंगे कि साइटोस्केलेटन्स आर द स्केलेटन्स विच आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल विच गिव्स द शेप टू द सेल एंड मेंटेन इट्स स्ट्रक्चर. सिंपल सी भाषा, नॉर्मल जो मैंने आपको बताया वही डेफिनेशन में हम कह सकते हैं. अब साइटोस्केलेटन होते क्या हैं? साइटोस्केलेटन्स जो हैं वो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं. माइक्रोफिलामेंट्स मतलब जैसे हमारा हेयर्स है, हेयर्स क्या है? फिलामेंट है. फिलामेंट के रूप में माइक्रो फिलामेंट्स होते हैं. माइक्रो फिलामेंट से अगर एग्जांपल लिया जाए, जैसे फ्लैजिला है. फ्लैजिला क्या है? एक फिलामेंट है. हेयर है वो एक फिलामेंट है. तो ये प्रोटीन के फिलामेंट्स होते हैं, प्रोटीन के बने हुए फिलामेंट्स होते हैं जो कि सेल के अंदर सेल का सपोर्टिंग का काम करते हैं. तो ये तो एक ओवरव्यू हुआ कि साइटोस्केलेटन्स होते क्या. अब साइटोस्केलेटन्स को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. फर्स्ट इज दैट कि ऑन द बेस मतलब यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, कितने टाइप के साइटोस्केलेटन्स प्रेजेंट होते हैं. सो यूकैरियोट्स में तीन टाइप के साइटोस्केलेटन्स प्रेजेंट होते हैं. फर्स्ट इज माइक्रोफिलामेंट्स. फर्स्ट इज माइक्रोफिलामेंट्स. माइक्रोफिलामेंट्स. सेकेंड इज Microtubules and the third one is intermediate filaments. मतलब तीन टाइप के माइक्रोफिलामेंट्स मतलब जो साइटोस्केलेटन्स हैं वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं. अब इनके बारे में थोड़ा ब्रीफ डिस्कशन जान लेते हैं कि ये होते क्या हैं. पहले बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं माइक्रोफिलामेंट से. माइक्रोफिलामेंट पहली बात ये जान लीजिए कि ये जो तीनों हम पढ़ रहे हैं ये फॉर स्पेसिफिक है यूकैरियोट्स के लिए. यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ एक्सेप्शन भी आएगा वो मैं बीच में डिस्कस कर दूंगा. सो पहली बात है माइक्रोफिलामेंट्स की, तो इन दोनों को रब कर देते हैं. माइक्रोफिलामेंट्स क्या क्या होते हैं? सिंपल सी बात है, नाम सजेस्ट कर रहा है, माइक्रो छोटे छोटे फिलामेंट्स. पहली बात तो नाम से हम पहचाने कि माइक्रो फिलामेंट्स, छोटे फिलामेंट्स जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट है, जो क्या कर रहे हैं? सेल को सपोर्ट दे रहे हैं, सेल का शेप मेंटेन कर रहे हैं. माइक्रो फिलामेंट्स को एक और नाम से जाना जाता है, एक्टिन फिलामेंट. ये नाम सुन के कुछ रिकॉल हुआ आपको? एक्टिन फिलामेंट्स कहाँ यूज, कहाँ पढ़ा था जरा रिकॉल कीजिए. एक्टिन फिलामेंट हमने पढ़ा था मसल कॉन्ट्रैक्शन में. मसल कॉन्ट्रैक्शन एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक्टिन और मायोसिन नाम के दो फिलामेंट्स यूज होते हैं. ये वही एक्टिन फिलामेंट्स जो मसल कॉन्ट्रैक्शन में यूज हुआ था. ये क्या करता है? एटीपी के साथ बाइंड करके मसल का कॉन्ट्रैक्शन का वर्किंग करता है.
इसका ये फंक्शन होता है कि एटीपी के साथ बाइंड करें और वो जो एटी वो मसल कॉन्ट्रेक्शन का प्रोसेस है वो करें। तो ये वो एक्टिन फिलामेंट है। ये क्या है अगर इसको डेफिनेशन में बोले तो, माइक्रो फिलामेंट्स आर द फिलामेंट्स विच आर द पॉलीमर ऑफ एक्टिन, एक्टिन के पॉलीमर्स होते हैं विच आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल विच गिव्स देम सपोर्ट एंड शेप, और मैकेनिकल सपोर्ट भी देते हैं। ठीक है, तो ये थी माइक्रोफिलामेंट का एक इंट्रोडक्शन। अब इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चर वैसे मैं बना देता हूँ लेकिन स्क्रीन पे भी देख लीजिएगा कि स्ट्रक्चर होता कैसा है ताकि मेमोराइज पिक्चराइज हो जाएगा। ठीक है, तो माइक्रोफिलामेंट्स क्या होते हैं, सिंपल से पहली बात तो ये डबल लेयर्ड फिलामेंट्स होते हैं। इनका जो डायमीटर होता है पहले मैं बना देता हूँ, ये एक बार अच्छा से स्केच बनाता हूँ इसका। डबल लेयर, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर ट्विस्टिंग होती है इनकी, ये इस तरह से और आगे बढ़ता बढ़ा हुआ मान लीजिए। इसका जो डायमीटर है, ये जो डायमीटर मैं बनाता हूं, इसका डायमीटर होता है 7 नैनोमीटर, 7 नैनोमीटर का इसका डायमीटर होता है। और ये हमेशा डबल में प्रेजेंट होते हैं, डबल एक्टिन फिलामेंट्स एक दूसरे के ऊपर ट्विस्टिंग फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है इसका, जनरल स्ट्रक्चर, इसको आप पिक्चर फॉर्म में स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये इस तरह का दिखता है। ठीक है, ये एटीपी का, एटीपी को यूज करके मसल कॉन्ट्रेक्शन में यूज होता है। और दूसरा काम ये कि ये साइटोकाइनेसिस में यूज होता है। साइटोकाइनेसिस क्या हो गया, अब साइटोकाइनेसिस क्या है, साइटो जैसे सेल डिवाइड होते हैं तो लास्ट में एक प्रोसेस आती है जिसे बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, जिसके अंदर क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है सेल का वो डिवाइड होता है, डिवाइड हो जाता है टू डॉटर सेल्स के अंदर। सो जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन है उसमें ये हेल्प करते हैं माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोफिलामेंट्स इनमें यूज डिवाइड करने में हेल्प करते हैं। दूसरी चीज कि ये सेल की मूवमेंट में हेल्प करते हैं, सेल का मूवमेंट, जैसे स्केलेटन हमारा मूवमेंट चलने में हेल्प करता है वैसे ये सेल का मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। दूसरी चीज, तीसरी चीज कि ये इंट्रास मतलब बाहर के मटेरियल और अंदर के मटेरियल ट्रांसफर करने में मदद करते हैं, अंदर का सामान बाहर भेजने में मदद करेगा और बाहर का अंदर लेने में मदद करेगा। ठीक है, एक और चीज़ ये इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है कि ये जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं ये सेल को शेप बदलने में भी काम करते हैं, कि जिस तरह का माइक्रोफिलामेंट्स प्रेजेंट होगा उस तरह का सेल का शेप होगा। सो ये एक बात हो गई इनके बारे में। और एक बात ये कि टफ और फ्लेक्सिबल होते हैं, टफ से मतलब कि सॉलिड होते हैं, अच्छे मतलब मजबूत होते हैं, और फ्लेक्सिबल होते हैं, जैसे हमारी नाक की हड्डी है ये टफ है लेकिन फ्लेक्सिबल मूव कर रही है, तो इस तरह से ये टफ और फ्लेक्सिबल होते हैं और बने किससे रहते हैं, एक्टिन से। ठीक है, ये थी एक बात, और दूसरा मैंने बता दिया मसल कॉन्ट्रेक्शन में यूज होते हैं। ठीक है, ये इनके फंक्शंस थे, इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये टफ और रिजिड होता है, इनका स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया। नाउ टॉक अबाउट द सेकंड वन, दैट इज माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, सेकंड वन है हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं समझे, माइक्रो से मतलब समझ आ गया छोटा, ट्यूब्यूल्स मतलब ट्यूब, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब जैसे होता है जैसे पानी का पाइप होता है वैसे ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये कैसे क्या होता है पहले इसको समझते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स ऐसे ऐसे फिलामेंट्स होते हैं, ऐसे ट्यूब्यूल्स होते हैं साइटोस्केलेटन का जो पार्ट है सेकंड, ऐसे पार्ट होते हैं साइटोस्केलेटन के जो कि ट्यूब्यूल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जो कि ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बने होते हैं। ट्यूब्यूलिन प्रोटीन क्या है अब इसके स्ट्रक्चर में समझते हैं। ये दीज मतलब अगर इसको डेफिनेशन फॉर्म में बोला जाए तो माइक्रोट्यूब्यूल्स आर द पॉलीमर ऑफ माइक्रो माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स, माइक्रोट्यूब्यूलिन प्रोटीन के पॉलीमर्स होते हैं जो कि सेल को सपोर्ट और इंटरसेलुलर मटेरियल को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है ये देख लेते हैं थोड़ा सा। इनका स्ट्रक्चर वैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा होता है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूं कि इनका स्ट्रक्चर अगर हम बनाएंगे तो कैसा होता है। यहाँ सबसे पहली चीज, यहाँ
डिस्क फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं एक दूसरे के अंदर। इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो मैं बताता हूँ आपको, अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन, इन दो से मिलकर ये बनते हैं। इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। अब आप पहले इस स्क्रीन पर देख लीजिए स्ट्रक्चर किस तरह का है। स्ट्रक्चर इस तरह का है कि ये अल्टरनेट रिंग्स होती हैं, अल्टरनेट अल्फा और बीटा की रिंग्स होती हैं, अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन की रिंग्स होती है जो प्रेजेंट होती हैं इनके स्ट्रक्चर के अंदर। इस तरह की रिंग्स होती है, जैसे ये मान लीजिए ये अल्फा ट्यूबुलिन है जो कि एक अल्फा ट्यूबुलिन होगा और एक होगा बीटा ट्यूबुलिन। जैसे मैं ब्लैक से बनाता हूं ये बीटा ट्यूबुलिन है, ये है बीटा ट्यूबुलिन, ये है बीटा ट्यूबुलिन, बीटा ट्यूबुलिन ये होता है। तो दो अल्टरनेट रिंग्स हमेशा प्रेजेंट होती है इनका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं इजी है, बहुत आसान है, कुछ खास नहीं है उसमें, लेकिन इस तरह का इनका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पर कि इनका जो बाहर का डायमीटर, क्योंकि ये 3D स्ट्रक्चर है, बाहर मोटा है, अच्छी खासी लेयर है, तो जो बाहर का जो डायमीटर होगा वो 24 नैनोमीटर होगा, और जो अंदर का डायमीटर अगर देखा जाए तो वो होगा 12 नैनोमीटर। याद करने के लिए आसान है क्योंकि 12 का जस्ट डबल हो गया 24, तो इनका जो डायमीटर है वो इस तरह का होता है, ठीक है। डायमीटर की हमने बात कर ली, हमने स्ट्रक्चर की बात कर ली, क्या रोल होता है अब ये देख लेते हैं। इनका फंक्शन है इंटरसेलुलर मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर करना। दूसरी चीज, ये सेल को सपोर्ट और मैकेनिकल सपोर्ट और स्केलेटन का स्ट्रक्चर शेप बनाने, सेल का शेप बनाने में मदद करते हैं। ये चीज कॉमन रहेगी सभी में, चाहे माइक्रोफिलामेंट हो, माइक्रोट्यूब्यूल्स है, चाहे इंटरमीडिएट फिलामेंट हो, ये क्या करते हैं सेल को शेप देने का काम करेंगे और मैकेनिकल सपोर्ट का काम करेंगे, ये कॉमन चीज होगी, ठीक है। अब बात करते हैं द थर्ड वन, दैट इज इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते क्या, उनको भी देख लेते हैं। थर्ड वन इज इंटरमीडिएट फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट की बात कर रहे हैं। सो व्हाट आर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स? इंटरमीडिएट फिलामेंट नाम क्यों दिया, पहली बात तो ये समझिए। इंटरमीडिएट फिलामेंट, इंटरमीडिएट मतलब क्या होता है, जो बीच में आता है, जो बीच में आता है उसकी वजह से उसको इंटरमीडिएट बोला जाता है। तो ये क्या है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स? ऐसे फिलामेंट्स हैं जो कि माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स के बीच में आते हैं। जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, पूरा का पूरा ये एक सेल का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स है, माइक्रोफिलामेंट्स है, और उसके बीच में कहीं पर भी ये इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रेजेंट है। तो इस तरह का प्रेजेंस की वजह से इनका नाम जो रखा है वो इंटरमीडिएट फिलामेंट रखा है। ये लगभग सारे जो फंक्शंस हम पहले पढ़ चुके हैं वही वर्किंग करेंगे, लेकिन इनका एक चीज़ यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये जैसे मैंने हमने पढ़ा था माइक्रोट्यूब्यूल्स बहुत रिजिड होते हैं, वो उनको आप मतलब खींच नहीं सकते, इलास्टिक नहीं होते, वो फ्लेक्सिबल नहीं होते। और जैसे हमने माइक्रो फिलामेंट्स में पढ़ा, वो टफ होते हैं लेकिन फ्लेक्सिबल होते हैं। लेकिन इनकी खास बात यह है कि ये जो होते हैं इनको आप कितना भी लंबा कर सकते हैं, जितनी जरूरत है आपको इनको, जैसे रबड़ होता है ना, रबर को खींच के हम बड़ा कर सकते हैं, उसी तरह से इसको भी बड़ा कर सकते हैं कितना भी। तो इनकी ये खास बात होती है। एक और इनका, पहली बात इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्ट्रक्चर बहुत ईजी होता है, कुछ नहीं है इनमें। अब मैं बना के दिखा देता हूँ, स्ट्रक्चर नॉर्मल फिलामेंट की तरह होगा, ये मोनो फिलामेंट हो गया, ये डाई फिलामेंट होगा जिसके अंदर डबल लेयर्स हैं, जिसमें डबल है वो डाई हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, इनका जो डायमीटर होता है वो 10 नैनोमीटर होता है, 10 नैनोमीटर का इनका डायमीटर होता है, और ये इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, कुछ खास नहीं होता इनमें, लेकिन आपको मेन चीज पता होनी चाहिए कि सेल के अंदर ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कैसे प्रेजेंट होते हैं। इनका फंक्शन ये होता है कि ये सेल
कि जो साइटोप्लाज्म है, सॉरी जो सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको सपोर्ट करने का काम करते हैं, उसको सपोर्ट देते हैं। और इनका वो दूसरा का काम सेम कॉमन होगा, शेप देते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देंगे। सो ये इनके कॉमन फंक्शन है। और एक और यहाँ पे पॉइंट आता है कि जैसे दूसरे फिलामेंट्स वगैरह जो हैं, जैसे माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूबल्स, ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं सेल की, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि जो माइक्रोट्यूबल्स होते हैं वो फ्लैजिला और सीलिया में प्रेजेंट होते हैं सेल के। जैसे बैक्टीरिया में सीलिया या फ्लैजिला है, उसके अंदर माइक्रोट्यूबल्स पाए जाते हैं, उसका कॉन्स्टिट्यूएंट है। यहाँ पर ये क्या करते हैं, ये ऐसे एक्सेप्शन है, इनकी वजह से कोई मोर्टेलिटी शो नहीं करता सेल। मतलब माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूबल्स की वजह से मोर्टेलिटी शो करेगा सेल, लेकिन इनकी वजह से कोई मोर्टेलिटी शो नहीं होती। सो ये सिर्फ सपोर्ट देने का काम करते हैं। सो ये था एक ब्रीफ डिस्कशन अबाउट द साइटोस्केलेटन एंड इट्स पार्ट इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरह हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस टॉपिक की मदद से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएँ। और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज सच लाइक दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।